जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आई एम GGKWH गौरव। आज हम आप लोग दिखाएंगे, हम लोग घर में श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान का पूजा तो कंटिन्यू हो रही है ब्लॉग पर। अभी हम और मेरा भाई, दोनों भाई मिलके अभी ला रहे हैं हम लोग श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान को अपना घर, और हम ले आ रहे हैं श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान को और मेरा भाई श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान का स्नान जल ले आ रहा है और साथ में घंटी भी ले आ रहा है। और बाकी श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान के बारे में जितना कुछ है सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाके पढ़ के उसके जानकारी ले सकते हैं। श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान को अपना घर लाने के बाद अभी आए हैं तालाब देखने, क्योंकि कल परसों इतना बारिश हुआ दो दिन लगातार कि पूरा तालाब भर गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल है तालाब का, और आपको हम क्लोज से भी एक बार हम दिखाते हैं। देखिए एकदम पूरा भर गया है एकदम, मतलब और नहाने के लिए सीढ़ी जो रहता है वो भी नहीं है कि ठीक से नहाएं, पूरा भर गया है पानी से। और आपको क्लोज से भी हम दिखाते हैं नज़ारा तालाब का, कंटिन्यू रहिए। तालाब का तीनों ओर खुला हुआ है जो कि पानी निकल रहा है। अगर तालाब का पानी तीनों ओर से नहीं निकलता तो तालाब का पानी जहाँ पर हम लोग चलते हैं पैदल वहाँ तक पानी चल जाता और चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि आज से 20-25 साल पहले इस तरह का बारिश हुआ था और आज 20-25 साल बाद इस तरह का बारिश हुआ। और बारिश एक बार नहीं हुआ, एक बार सावन महीना में हुआ था इस तरह का बारिश, और आज आसिन महीना में हुआ इस तरह का बारिश जो कि पूरा तालाब पूरा फुल हो गया है पानी से। इसी तरह का पानी आज से 20-25 साल पहले हुआ था, जिस टाइम मेरा मुंह जूठी हुआ था उस टाइम, क्योंकि हम नहीं जानते। मेरी मम्मी आज बोल रही थी कि जिस टाइम मुंह जूठी हुआ था तो मुझे इस जगह में सामने में मतलब इतना पानी हो गया था कि इस जगह में सामने ठो में हमको नहलाया था मेरी मम्मी। और इतना पानी देख रहे हैं कि पानी और खेत जो रहता है, धान चास हुआ है पूरा मिल गया है, ये पूरा पूरी मिल गया। पता ही नहीं चला कौन वाला तालाब है और कौन वाला खेत है, धान का खेत कहाँ पर है और क्या तालाब है, पूरा मतलब क्या बोले एकदम मिल चुका है दोनों। और बात यह है कि उस टाइम था श्रावण महीना, मेरा मुँह जूठी का समय, और अभी चल रहा है भद्र आसिन, आसिन महीना चल रहा अभी। तो एक तो श्रावण महीना में पानी का समय होता ही है, बाबा भोलेनाथ का दिन है, और अभी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा भर चुका है पानी, है ना। तो इतना साल बाद मतलब 20-25 साल बाद इतना पानी हुआ। और अब हम आपको दिखाएंगे श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान का पूजा हम लोग का किस तरह से होता है वो हम आपको दिखाएं, तो कंटिन्यू रहिए। अभी हम श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान को स्नान करवा रहे हैं।
अब हम स्नान करवाने के बाद पोंछ के तिलक लगा रहे हैं। अब पूजा शुरू कर रहे हैं। ओम विष्णु, ओम विष्णु, विष्णु श्री, ओम श्री, ओम श्री। तदो विष्णु परमपदं सदा पश्यन्ति सूर्यदेवो चक्रात्वम् अमूत्र पवित्रवा सर्वावस्थां गतोव्या यत्सदे पुण्डरीकाक्षं सुभाज्य दन्तरसुचि विष्णु ओ विष्णु श्रुरि 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 ॐ माधव माधव वाचि माधव माधवीति शरन्ति सर्वा कर्तेषु माधव सुप्रवरं विष्णु सोऽसिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्न मनोदयि सर्वविघ्नो प्रसन्नकये स्मृति सकलकल्याण भाजम विष्णुधारति पुरुष समर्थता प्रजामि सर्वगरि ॐ विष्णु ॐ विष्णु ॐ विष्णु। धावसदा धरित्रिमंडल मध्यवर्ती नारायण सदाशिजन सन्निविष्ट
कनक केवर कुंडलवान कीर्तिहारी हिरणमय उद्धृत शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु नारायण श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान का तो पूजा हम दिखाएं किस तरह से हम लोग का घर में पूजा हुआ, और अब हम आपको दिखाते हैं शाम का आरती। तो कंटिन्यू रहिए। शुमाधवं शुक्लं वरं धरं विष्णु शोषिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नं मदनं धाये सर्वविघ्नो प्रशन्ते स्निते शकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते ओम पुरुषस्तम समजं मित्तं भजामि शरणं हरि। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। आज हम आप लोगों को जिस तरह से दिखाएं श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान जी का सुबह में पूजा होता है और शाम में आरती होता है, उसी तरह हर रोज़ मतलब पर डे सुबह पूजा होता है और शाम में आरती होता है। तो श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान का किस तरह से पूजा किए हम, ये हम आपको दिखाएं। उसके बाद संध्या में किस तरह से आरती होता है श्री नारायण नाड़ूगोपाल भगवान का, वो भी हम आपको दिखाएं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।